वह गोलोक धाम चिंतामणि से बना हुआ है। और एक एक पॉइंट बहुत सुंदर कहते हैं, लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयन। और क्या है भगवान के धाम में? सुरभि, सुरभि एक गाय की जाति है, तो वहां पर सुरभि गाय है। ओके, लेकिन प्रश्न होगा कितनी गाय है, कितनी गोमाता है? एक, दो, पांच, दस, पंद्रह, बीस? तो क्या कहते हैं? लक्षावृतेषु सुरभि, लाखों लाखों गाय है भगवान के धाम में। अच्छा, तो फिर वहां करना क्या होगा हमको? न काम धंधा बिजनेस नौकरी जॉब कुछ नहीं, तो करना क्या है? तो सुनिए ध्यान से, ये ब्रह्मा जी का मत है। लक्षावृतेषु सुरभि फिर रवि पालयन, वहां जो लाखों लाखों सुरभि गाय है उसका पालन करना है हमको। सुरभि रवि पालयन, ये महाभारत के तीन वीर जब मेरे पास आए, भाई कथा करनी है और आप गाय की महिमा बताओ, और आपको ये गाय का कहां से आ गया? यहां से मुझे क्लिक हुआ, यहां से मेरे दिल में विचार आया कि हमारा डेस्टिनेशन वैकुंठ गोलोक वृंदावन, जहां पर लाखों लाख गाय है, और यहां से जितने भक्त भजन करके जाएंगे वहां पर उनको गाय का पालन करना है। ठीक है, और इसीलिए उस धाम का नाम है गोलोक धाम। गोलोक धाम, वैसे वैकुंठ भी कहते हैं, अक्षरधाम भी कहते हैं, ये सब उसी धाम के नाम है। लेकिन क्योंकि वहां पर अनंत अनंत मात्रा में गाय होती है, इसलिए उसे गोलोक धाम कहते हैं। अब मुझे जो आपसे कहना है, आप कभी हॉस्पिटल में गए हो? गए होंगे। आप हॉस्पिटल में रिसेप्शन में बैठ सकते हो, सोफे पर बैठ सकते हो, बाथरूम में जा सकते हो, लेकिन सीधे ऑपरेशन थिएटर में जा सकते हो? क्यों? जिसको ऑपरेशन करने को आता है वो डॉक्टर ही ऑपरेशन थिएटर में जा सकता है, और किसी को एंट्री है नहीं है। रेस्टोरेंट में गए हो? गए हैं। प्रभु आप मत पूछिए, हर शनि रवि को वहीं जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, लेकिन उसके किचन में जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट के किचन में कुक को ही अलाउड होता है। ठीक है, आप मंदिर में जाते होंगे, मंदिर में आप बुक स्टॉल में जा सकते हो, हॉल में जा सकते हो, प्रसाद में, सब में, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में जा सकते हो? वहां तो पुजारी को ही अलाउड होता है, जिसे पूजा करनी आती है। ओके, दिल्ली में जो पार्लियामेंट होती है, आप कभी गए हो? नहीं गए होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में वही जा सकता है जिसको पॉलिटिक्स आती है ना? तो जिसको पॉलिटिक्स आती है, ध्यान से सुनिएगा, जिसको पॉलिटिक्स आती है वही पार्लियामेंट में जा सकता है, जिसको रसोई आती है वही रेस्टोरेंट के किचन में जा सकता है। ठीक है, जिसको भगवान की सेवा पूजा आती है वही मंदिर के गर्भगृह में जा सकता है, और जिसको ऑपरेशन करने आता है वही ऑपरेशन थिएटर में जा सकता है। वैसे ही जिसको गाय की सेवा आती है वही गोलोक धाम में जा सकता है, बाकी चांस नहीं लगेगा। जो गाय की सेवा करना जानता है, जिसे गाय की सेवा आती है, वही गोलोक में प्रवेश कर सकता है। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग गिनाए। उस 64 अंग में 10 अंग मुख्य है,
भक्ति के 64 अंग रूप गोस्वामी ने जो कहे उनमें 10 अंग मुख्य हैं, उस 10 अंगों में से एक अंग है गाय की सेवा करना, गाय माता की सेवा। ये भक्ति का एक अंग रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। और एक रहस्य की बात मैं आपको कहूं जो बहुत बड़े महात्मा से हमने सुनी थी। हम सब भजन कर रहे हैं और नवदा भक्ति का हम सब ने आश्रय लिया है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन हम कर रहे हैं। और हम भजन के मार्ग में है, ठीक है, लेकिन इस मार्ग में हम लोग कुछ लोग 1%, कुछ लोग 2%, कुछ लोग 5%, कुछ लोग 10% प्रोग्रेस किए हैं। और मेरे जैसा तो अभी किनारे पर बैठा है, जाऊं या ना जाऊं छब छब या कर रहा है। तो कुछ लोगों का तो शुरू भी नहीं हुआ है। हम सब भक्ति का सिद्धांत जानते हैं कि हम नवदा भक्ति करेंगे और भक्ति के इन साधनों में जब तक हम परिपूर्ण नहीं होंगे, 100% भक्ति के साधन कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक न तो इस जीवन में सुखी हो सकते हैं, न तो मरने के बाद भगवान के धाम में जा सकते हैं। और जो अधूरा रह गया तो उसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा, उसमें अधूरा रह गया तो तीसरा जन्म चौथा जन्म लेना होगा। तो भजन कर रहे हैं तो भगवत धाम में जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन कब इसका कोई भरोसा नहीं। शास्त्र में लिखा गया है, मैं श्लोक भूल रहा हूं परंतु भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक है कि भक्ति के साधनों को तुरंत परिपूर्ण करना चाहते हो, हैं? हम लगे हुए हैं लेकिन इसे तुरंत सिद्ध कर, साधन को यदि तुरंत सिद्ध करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण जिसमें हम लगे हैं, जो हमारी साधना विधि है, उसको हमें यदि तुरंत सिद्ध और पूर्ण करना है तो गौ माता की सेवा करना होगा। गौ माता की सेवा करने से भक्ति के साधनों में बूस्टिंग होता है। आप 2-5% पे भक्ति के साधन में हो, गौ माता की सेवा शुरू कर दी, सीधे 80% पहुंच जाओगे। इसीलिए इतिहास खोलने की छूट है भक्तों, जितने भक्त हुए हमारे इतिहास में, हरि नाम का आश्रय लिया, भगवत कथा का आश्रय लिया, लेकिन इन सभी आचार्यों ने गौ माता की सेवा अवश्य की है। इसलिए हमारा सिद्धांत भगवत नामाश्रय है, भगवत कथा, भगवत सेवा, लेकिन इन साधनों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए गौ माता की सेवा एक बहुत बड़ा बूस्टिंग है, एक बहुत बड़ा फोर्स हमें देता है।